नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विश्व की सबसे बड़ी महिला स्वयंसेवी संस्था के प्रकोष्ठ इनर व्हील क्लब अंबाला ने 19 जनवरी 2023 को अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण किए। 19 जनवरी 1973 को रोटरी क्लब अंबाला के सदस्यों के परिवारों की 27 महिलाओं ने इस क्लब की शुरुआत की थी। तत्कालीन रोटरी सदस्यों ने इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कृष्णा सागर ने इसमें प्रथम प्रधान और सविता दास ने प्रथम सचिव का पदभार संभाला था। उस समय ये संस्था डिस्ट्रिक्ट 310 के अंतर्गत आती थी। 1985 में ये डिस्ट्रिक्ट 308 का अंग बन गई। आज इनर व्हील क्लब अंबाला में 130 सदस्याएं हैं। पिछले 5-6 वर्ष से इनकी सदस्या बनने के लिए रोटरियन के परिवार से संबंधित होने की शर्त वैश्विक स्तर पर हटा दी गई है। आरंभ से ही इनर व्हील क्लब अंबाला ने सेवा और मैत्री के उच्च मापदंड स्थापित किए हैं और अनेक बार डिस्ट्रिक्ट का श्रेष्ठतम क्लब होने का विजयोपहार प्राप्त किया है। यही नहीं, 7 बार इसने डिस्ट्रिक्ट का नेतृत्व भी किया है। कृष्णा सागर, स्वर्ण कंवर, नीरा नाथ, देवांगना गुप्ता, संगीता सूद, विजय गुप्ता, सरोज कक्कड़ समय समय पर इसकी मंडला अध्यक्षाएं बनी। कृष्णा सागर तो इनर व्हील की राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष के पद पर भी सेवा कर चुकी हैं। वे आज भी बहुत सक्रिय रूप से जरूरतमंदों की सहायता कर रही हैं। अपने सेवा कार्यों के लिए उन्हें 2017 और 2018 में मार्गरेट ओलिवर गोल्डिंग सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्तमान में डॉक्टर भारती बंधु क्लब की प्रधान एवं ऋचा अग्रवाल सचिव हैं। क्लब के बहुत से स्थायी सेवा कार्य हैं, जिनमें विवेकानंद प्राथमिक पाठशाला को आवश्यकता अनुसार सहायता, इनर व्हील स्कूल, सिलाई स्कूल, नव किरण विशेष योग्यता वाले बच्चों के लिए प्रतिवर्ष 12 से 20 लड़कियों के लिए ब्यूटिशियन की प्रशिक्षण, वृद्धाश्रम में सहायता, जरूरतमंद बच्चों की स्कूल की फीस में सहायता, बीमारों की सहायता आदि प्रमुख हैं। अन्य देशों के इनर व्हील क्लब के सहयोग से भी समय समय पर सेवा कार्य किए जाते रहे हैं। स्वर्ण जयंती के उपलक्ष पर इस इनर व्हील वर्ष में नव किरण आरंभ किया गया है। 10 जनवरी को मनाए गए 99वें अंतर्राष्ट्रीय इनर व्हील दिवस से 19 जनवरी 2023 तक प्रतिदिन सेवा कार्य करते हुए क्लब का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा है। 20 जनवरी को हुई आम बैठक में नए सदस्यों ने पूर्व मंडला अध्यक्षों और पूर्व प्रधानों को सम्मानित किया और उन्होंने नए सदस्यों का हार पहनाकर अभिनंदन किया। 26 मार्च 2023 को स्वर्ण जयंती का मुख्य कार्यक्रम होगा, जिसमें राष्ट्रीय इनर व्हील एसोसिएशन के अध्यक्षा मुख्य अतिथि और मंडला अध्यक्षा विशिष्ट अतिथि की भूमिका में होंगी। इस स्वर्ण जयंती के उपलक्ष में क्लब के इतिहास को एक पुस्तक के रूप में संजोने की कोशिश भी की जा रही है। अंबाला से हमारे संवाददाता सर्वेश शर्मा की रिपोर्ट। She went to become the district chairman and also the association president. We are so proud of you, Krishna ji. Please come. You are not only Margaret Oliver Awardee and Mother Teresa, but you deserve all the credit for bringing this club to this level. Later, being the founder of our district 308. Earlier we were at 310 and this club, this thing was divided into 308 and she is an encyclopedia of our club. Thank you, Meera ji, for your contribution. Our devotion and passion with Vijay Gupta, a dynamic leader, which we can all see till day. Mrs. Sanita Sue, our melodious swing, and Saroj Kakkar. हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।